नमस्कार, बलिया लाइव के डेली पॉडकास्ट हाल समाचार में आपका स्वागत है। जिला जवार की लेटेस्ट बातें जानिए हमारे रेजिडेंट एडिटर कृष्णकांत पाठक से। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हल्दी ग्राम पंचायत के पुरवा भरवरिया टोला में मंगलवार की सुबह खेत पर कार्य कर रहा किसान अचानक अचेत हो गया। रात में उपचार के दौरान किसान की मौके पर ही मौत हो गई। बलिया छपरा रेल खंड के मध्य रेवती थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलत छपरा हाल्ट स्टेशन के पश्चिम बुधवार की सुबह इंटरसिटी एक्सप्रेस से कटकर 14 वर्षीय किशोर अविनाश कुमार निवासी श्रीनगर की मौत हो गई। मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा है। बलिया में एक सरकारी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के अलावा 3 निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी सहमत प्रदान कर दी है। यह जानकारी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने दी है। हल्दी थाना क्षेत्र के मुड़ाडीह ग्राम सभा अंतर्गत गायघाट निवासी अनिल पांडे उम्र 35 वर्ष पुत्र प्रेम शंकर पांडे ने मंगलवार की रात्रि में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हल्दी पुलिस मामले की जांच कर रही है। हल्दी थाना क्षेत्र के परसिया गांव में जल निगम की ओर से आरओ प्लांट में 300 वाट का सोलर पैनल लगाया गया था, जिसमें रात में 2 पैनल चोर खोल ले गए। इसकी लिखित सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधान परिषद उत्तर प्रदेश की 36 सीटों पर चुनाव जनवरी में होने की संभावना है। चूंकि विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च में होंगे, इसलिए चुनाव आयोग चाहता है कि विधान परिषद के चुनाव इसके पहले संपन्न हो जाए। भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 साल की बालिका से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। सिकंदरपुर तहसील के अंतर्गत गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 95.28 लाख रुपए सरकार ने रिलीज की है। इन मांगों को लेकर बहुत दिनों से किसान धरनारत थे। इन मार्गों के निर्माण हो जाने से आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। अब हर थाना पर साइबर हेल्प डेस्क बनेगा। एसपी ने राम जन्म मिश्रा को साइबर हेल्प डेस्क का जिला प्रभारी नियुक्त किया है। आजादी का अमृत महोत्सव 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक मनाया जाएगा। बैठक में जिला कारागार अधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी के एस पांडे, बेसिक शिक्षा अधिकारी शिव नारायण सिंह आदि मौजूद रहे। समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश सचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन यादव का जनपद में प्रथम आगमन पर समर्थक एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नमस्कार।